इतनी कम उम्र में आयुर्वेद से संबंधित दुकान लगाना भी काफी बड़ी दर्द का तेल में कितने दिन में आराम मिलता है ये। नमस्कार, आयुर्वेदिक तांत्रिक औषधि में आप सभी का स्वागत है। आज रविवार का दिन है और हम अमरकंटक के कपिल धारा में हैं। यहाँ पर बहुत सारी औषधियों की दुकान है, उन्हीं में से एक दुकान पर हम आए हुए हैं। सबसे पहले हम आपका कुछ इनसे परिचय करवा देते हैं। आपका नाम आकाश है और जैसा कि आप बता रहे हैं, इनके पिताजी जो हैं वो 4 से 5 साल पहले ही वो शांत हो चुके हैं और माता जी हैं जो बचपन से ही शायद नहीं है, ऐसी जानकारी इनसे मिली है। तो देखने में आ रहा है कि उन सब से निकल कर और इनकी जो आजी हैं वो हैं और आ रही उन्हीं के द्वारा ये अभी तक सीख के और आयुर्वेद का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर आयुर्वेद का दुकान लगा रहे हैं और काफ़ी कुछ आयुर्वेद के बारे में जानते हैं। इतनी कम उम्र में आयुर्वेद से संबंधित दुकान लगाना भी काफ़ी बड़ी बात है। सबसे पहले तो आपसे नाम जान लेते हैं आपका। आकाश कुमार बांग। कब से दुकान लगा रहे हैं? ये तो 4-5 साल से लग। 4-5 साल से। तो आप मतलब कब से हो दुकान में? मैं 2-3 साल। 2-3 साल से। तो आयुर्वेद आपसे मतलब बहुत कुछ आता है ना? जी आता है। तो यहाँ आप किन किन मतलब कौन कौन सी दवाइयाँ रखते हैं, किन किन? सभी चीज़ वगैरह की, महाकाल तेल, गुलबकौली अर्क वगैरह। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे आपके परिवार में ये सब हुआ है ना, तो आप अभी आप पिताजी नहीं, तो किन से आपको आयुर्वेद के प्रति जो है जुड़ने के लिए? माता जी के हैं, हमारे दादी माँ, उनके दादी माँ के द्वारा आपको बताया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। और भी अधिक जानकारी के लिए आपको वैद्य प्रदीप शुक्ला जी के पास लिए चलते हैं और वो आपको आयुर्वेद से संबंधित जानकारी देंगे। नमस्कार, वैद्य प्रदीप शुक्ला के साथ आप देख रहे हैं, हमारे पास एक ऐसे वैद्य मिले हैं जिनकी पढ़ाई रुक चुकी है और साथ ही साथ वैदिकता का भी कार्य कर रहे हैं। और इनके मम्मी पापा तो थे ही, पिताजी आयुर्वेद का कार्य करते रहे और माताजी इनको बचपन पर ही छोड़कर चली गई, यानी कहा जाए तो संसार में नहीं है। और पिताजी भी 4 साल से नहीं हैं, जिस कारण से आज ही के साथ में ये रहते हैं। और अब ये परिस्थिति आ गई है कि वो भी असहाय हो गए हैं, वृद्धता के कारण वो चल फिर नहीं सकती, जिस कारण से इनकी पढ़ाई भी रुक चुकी है। 10वीं तक पढ़े हैं और आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इस साल इनकी पढ़ाई भी अत्यंत ज़रूरी है। और इन्हें हम यही कहेंगे कि भाई आप पढ़ो, आगे बढ़ो और जो सहयोग है आप सभी से सहयोग चाहते हैं कि वैदिकता पर आप बड़े अच्छे से अच्छा देखते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं और आयुर्वेद के माध्यम से आप नए नए चीज़ें भी सीखते हैं और इनसे भी हम कुछ सीखेंगे और आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। किंतु इतना ज़रूर कहूँगा कि सहयोग करें और पढ़ने लिखने पर आपका एक सहयोग भी इनके लिए बहुत अच्छा होगा। खासकर अमरकंटक शासन प्रशासन से भी अनुरोध है कि ऐसे बच्चों को पढ़ाने में सहयोग करें। अब आज ये अगर कार्य करेंगे तो आगे की फिर ज़िंदगी ऐसी ही चलेगी, तो ये अगर पढ़ लिख करके आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो भैया हम ये जानना चाहेंगे कि ये क्या है, ये आपके पास जो रखे हुए गुलबकौली? जी, गुलबकौली अर्क है। इसे आप कैसे निकालते हो? ये महाकाल नहीं, ये गुलबकौली को कैसे निकालते हो? ये दारू द्वारा, जैसे महुआ बनती है उसके, जैसे दारू निकालते हैं सेम पद्धति से अर्क निकालता है पद्धति। कितने दिन इसको गलाते हो? ये कम से कम भी एक महीने करीब, 1-2 महीने करीब गलाते हैं, तब उसके बाद फिर निकाल लेते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब आपका गलाने की प्रक्रिया लंबी है। और कितने घान निकालते हो गुलबकौली में? जैसे एक बार आपने जैसे डाला पैना में, तो कितने बार निकालते हो? एक से दो से तीन बार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करते हो। 2 से 3 बार यानी 5 बार तक आप निकाल सकते हो, लेकिन उसके ऊपर नहीं निकाल सकते, है ना। और आप क्या रखते हो? एक तेल रखते हो। दर्द का तेल में कितने दिन में आराम मिलता है? ये तो 3-4 बार लगाने से, जैसे 2-3-4 बार लगा दिए आराम मिल जाता है। तो इसमें ऐसा क्या क्या डालते हो? ये सेवकन, जंगली प्याज, जंगली लहसुन वगैरह रहते हैं, जंगली जड़ी बूटियों। कितने प्रकार की औषधि लगभग डालते हो? बजरगांठ, आठिल पत्ता, सेवकन, जंगली प्याज, जंगली लहसुन वगैरह। तो लगभग कितने उस प्रकार की औषधि डालते हो? ये लगभग 21-25 प्रकार की जड़ी बूटियाँ रहती है। 25-30 प्रकार के, है ना, 25-30 प्रकार की औषधि डालते हैं। और इसके अलावा साथ में चूर्ण वगैरह कुछ बटी वगैरह नहीं रखते दर्द वाला है? अभी नहीं है वर्तमान में। जी, तो देख रहे हैं जैसे कि इन्होंने 2 ही चीज़ रखी है अभी वर्तमान में और खड़ी औषधियाँ भी रखी है। आइए परिचय करवा देते हैं। ये केवकंद आप स्वयं निकालते हैं कि बुलवाते हैं? ये घर में भी लगा रहता है और मंगवाल भी लेते हैं जंगल वगैरह से। अच्छा, जंगल से भी बुलवाते हैं? जी। तो अच्छे पुराने केवकंद रखे हो आप? जी, है ना जी। और ये जंगली अदरक है? ये जंगली अदरक है जी।
गैस वगैरह के लिए। अच्छा, गैस वगैरह के लिए इसका चूर्ण तो बनाते होंगे, है ना। और ये गुलकंद है, गुलकंद है, इसको भी डालते हो महाकाल तेल में? नहीं, ये पाइल्स वगैरह के लिए, पाइल्स वगैरह में देते हैं। तो इसको कैसे देते हो पाइल्स में? ये इसको शहद दही के साथ खिलाया जाता है। कच्चा ही खिलाते हो कि पीस के? इसको पाउडर बना के शहद और दही के साथ खिलाया, तो दोनों मिलाना पड़ता है कि एक किसी एक के साथ? इसको पाउडर बना के शहद और दही के साथ खिलाया जाता है, दोनों को मिक्स, शहद और दही दोनों मिक्स करना पड़ता है। हाँ, बहुत बढ़िया। कितनी मात्रा में पाइल्स चला जाता है ये? इसको 15 दिन एक महीना खाना पड़ता है। 15 दिन एक महीना खाना पड़ता है, यानी ये समझ लीजिए कि 3 महीना का कोर्स करना ही पड़ेगा। खटाई वगैरह भी नहीं खाना पड़ेगा। और उसके अलावा इसको किस में उपयोग करते हैं? बस उसी चीज़ में करते हैं। और ये दर्द में भी डाल देते हैं तेल भी इसका। अच्छा, दर्द में तो डालते हैं। ये क्या है? ये निरगुंडी पत्ता। इसका उपयोग आप कैसे करते हो, किस में करते हो, कितने प्रकार के बात रोग के अलावा और किस में उपयोग करते हैं? बात रोग में करते हैं, खांसी वगैरह में इसका, काढ़ा वगैरह भी बना लेते हैं। हाँ, तो काढ़ा इसका कैसे बनाते हो जिसमें आमजन को सहायता हो जाए? जैसे काढ़ा वगैरह बनाएंगे तो इसमें एक आइटम है ये अभी अपने पास, इसमें गुड़मार पत्ती कह रहा हूँ, ये अड़ूसा पत्ती वगैरह रहेंगे, अमर बेल वगैरह रहेगा, ये रहेगा, ये सब का काढ़ा बना के, नीम पत्ती वगैरह का। अच्छा, ये सब खांसी में आराम करते हैं काढ़ा बना। उसमें और कुछ डालते हैं? कुछ इलायची वगैरह जी डालते हैं, सौंठ, छोटी काली मिर्च वगैरह। अच्छा अच्छा, तो कितना पर डालते हैं, एक गिलास में कितना बचना चाहिए लगभग? वही इसका एक गिलास का आधा चाय के बराबर बचना चाहिए, तब इसको पीने का। फिर उसके बाद पानी तो नहीं पीना है, जैसे आप जानते हैं कि खांसी में पानी नहीं पी सकते, इसी को पीना रहता, तो क्या इसका साथ भी ऐसा ही कि पानी पी सकते हैं? जी, इसको पी के पानी भी, जैसे जल लगे तो जल भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बहुत अच्छा है। वैसे खांसी में पानी पीने की सलाह नहीं दी जाती है। और ये बच आप किस किस में उपयोग करते हो? ये बच उसके लिए, बच्चे लोग के लिए खांसी वगैरह। अच्छा अच्छा, कंठ के लिए, है ना। उसके अलावा और कोई उपाय? सादा रहता है। और ये तेजबल? ये तेजबल शाल पतंग ही बोलते हैं, तेजबल दांत दर्द वगैरह के लिए। अच्छा, इसको कैसे दांत दर्द में कैसे उपयोग करते हैं? इसको कूट के तवे में भून के मंजन वगैरह करते हैं, सेंधा नमक डाल वगैरह। अच्छा अच्छा, लौंग सेंधा नमक डाल के फिर मंजन बनता है, मंजन कर इसको भूंजना पड़ेगा पहले। और इसी को, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बैठे हैं और ऐसे वैद्य के पास हैं जो थोड़ी मोड़ी दवा रखे हैं और अभी दवा है भी नहीं, हालांकि दवा का संग्रह अच्छा करते हैं, शायद बरसात की वजह से नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी पढ़ाई तो मार खा रही है और इनका सहयोग करना चाहिए। 10वीं के बाद आगे इस साल नहीं पढ़ पा रहे हैं और नाम भी नहीं लिखाए होंगे, और हम चाहते हैं कि ये पढ़ के आगे बढ़े और आप सभी के सहयोग से अच्छा हो। आपका एक सहयोग बहुत आगे तक ले जाएगा। और ये ना देखे कि कौन क्या है, कल ये अगर अच्छे डॉक्टर भी बनते हैं तो हम सभी के लिए फ़ायदेमंद होंगे, कल अगर फौज में भी जाते हैं पढ़ लिख करके तो भी हमारे देश की रक्षा करेंगे। तो नौयुवक हैं, हमें सहयोग करना चाहिए। ठीक है जी, नमस्कार, धन्यवाद।